हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में वॉलीबॉल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट वन है। पार्ट वन में आपको वॉलीबॉल के हिस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महासंघों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, कुछ रूल्स के भी होंगे। बट सेकेंड पार्ट में आपके मेजरमेंट, ग्राउंड मेजरमेंट एंड कप ट्रॉफी सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, पार्ट वन पार्ट टू देखने के बाद वॉलीबॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मैं आपके डाउट नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। मेरे चैनल पर आपको डेली बेसिस पे वन वीडियो अवश्य डाला जाता है और डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। एमपीटेट रिजल्ट आने के बाद एमपीटेट मेन एग्जाम का प्रिपरेशन में आप लग गए होंगे और दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं देगा, इसलिए आप प्रिपरेशन में लग जाइए। एंड यूपी टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम होगा, यूपी एलटी गेट भी 3-4 साल हो गया नहीं आया है, तो वो अवश्य आएगा, इसलिए पहले से प्रिपरेशन करिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आपने जो भी पहले पढ़ा होगा उसके हिसाब से आप अपना स्कोर चेक कीजिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि FIVB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। FIVB यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, इसकी स्थापना 1947 में हुआ था एंड हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड है एंड वर्तमान अध्यक्ष एरी ग्रेस फिल्लो है। कौन है? एरी ग्रेस फिल्लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल खेल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां पर आयोजित हुआ था। तो वॉलीबॉल खेल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1922 न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था और YMCA ने इसको आयोजित किया था। YMCA ने जी मोर्गन के निर्देशन में इसके कुछ नियम भी यहाँ पे बनाया गया था। जैसा कि दोस्तों, वॉलीबॉल के जन्मदाता 1895 विलियम जी मोर्गन अमेरिका में इन्होंने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉलीबॉल की खोज किसने किया था, कब किया था, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल खेल की भारत में प्रथम प्रतियोगिता कब हुआ था। विश्व में तो 1922 में हुआ था, बट भारत में वॉलीबॉल खेल की प्रथम प्रतियोगिता कब हुआ था, तो 1936 लाहौर में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस सन में हुई। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ यानी कि FIVB, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। कहाँ पे हुआ था? इसका हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुआ और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की 1947 में। तो दोनों को आप क्लियर याद रखे रहिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में एमपीटेट में आया था कि वॉलीबॉल खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों, वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक में 1964 टोक्यो जापान में शामिल किया गया था एंड एशियाई खेलों में 1958 टोक्यो जापान में ही आयोजित किया गया था शामिल किया गया था। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल 1964 टोक्यो जापान में एंड एशियाई खेलों में शामिल 1958 टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉलीबॉल की खेल कितने घंटों का होता है। तो दोस्तों, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। जो वॉलीबॉल का खेल होता है यह 3 या 5 सेटों में होता है। 4 सेट 25 अंक का होता है, 5वां सेट 15 अंक का होता है। पहले 3 सेटों के मध्य 2 मिनट का अवकाश होता है और चौथे और पांचवें सेट के मध्य 5 मिनट का अवकाश होता है और विजयी होने के लिए 2 अंक का अंतर होना चाहिए और इसमें जो टाइम आउट होता है तो प्रत्येक टीम को प्रत्येक सेट में 30-30 सेकेंड का टाइम आउट मिलता है, जो सर्विस खेल रुकने या सर्विस ब्रेक होने पर दिया जाता है। एंड एक टेक्निकल टाइम आउट होता है, जो 2 टेक्निकल टाइम आउट 60-60 सेकेंड का होता है। पहला 8 अंक एंड दूसरा 16 अंक लीडिंग टीम के बनाने पर दिया जाता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल की FIVB में डी का क्या अर्थ है।
तो डी का अर्थ है का, डी का क्या अर्थ है इसमें, का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में पहले तीन सेटों के मध्य का अवकाश कितना होता है दोस्तों, तो पहले तीन सेटों के मध्य 2 मिनट का अवकाश होता है और चौथे और पांचवें सेट के मध्य 5 मिनट का अवकाश होता है, दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंडोर स्पर्धाओं में वॉलीबॉल ग्राउंड की छत की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो 12.5 मीटर होती है, कितनी होती है 12.5 मीटर होती है, एंड बैडमिंटन की छत की ऊंचाई 9 मीटर एंड बास्केटबॉल की 7 मीटर होती है, ये सभी चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने वॉलीबॉल का नाम बदलकर मिंटोनेन से वॉलीबॉल रखा है दोस्तों, पहले इसका नाम मिंटोनेन था, मिंटोनेन के नाम से ही इसको खेला जाता था, लेकिन इसका वॉलीबॉल नाम रखा, किसने रखा वॉलीबॉल नाम, तो इनका डॉक्टर ए टी हॉल स्टेड ने इसका मिंटोनेन से वॉलीबॉल नाम रखा 1896 में। नेक्स्ट है वॉलीबॉल कोर्ट की साइड लाइन से पोस्ट की दूरी कितनी होती है दोस्तों, साइड लाइन से जो पोल होता है वह 1 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों वॉलीबॉल खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो ए पलानी स्वामी को दिया गया था 1961 में सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार दोस्तों। इसे पोल से पोल की दूरी 11 मीटर होती है एंड वॉलीबॉल ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई 18×9 मीटर होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल के दौरान रोटेशन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे रोटेशन जो होता है वह होता है क्लॉकवाइज, कैसे होता है वॉलीबॉल खेल में रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, बट जो स्टैंडिंग पोजीशन होता है जो खड़े होने की स्थिति होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, कैसी होती है एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है, क्या है ए वॉलीबॉल का क्या है ग्राउंड है, ए हो गया सेंटर लाइन, ए अटैक लाइन, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका पोजीशन हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसे घूम रहा है, ये घूम कैसे रहा है, इसकी खड़े होने की स्थिति कैसी है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों चीजें याद रखिएगा, रोटेशन पूछे तो क्लॉकवाइज, पोजीशन पूछे खड़े होने की तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट रेफरी के सीटी बजाने के बाद सर्विसमैन को कितने समय के अंतर्गत सर्विस करनी पड़ती है अन्यथा फाउल माना जाएगा, तो कितने समय के अंतर्गत करनी होती है 8 सेकेंड के अंतर्गत, ठीक है 8 सेकेंड के अंतर्गत करेगा नहीं तो फाउल माना जाएगा। नेक्स्ट वॉलीबॉल खेल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई होती है 2.24 मीटर एंड पुरुषों के लिए होते हैं 2.243 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल में नेट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, जैसे कि ग्राउंड की चौड़ाई 9 मीटर होता है, तो नेट की जो चौड़ाई होती है लंबाई और चौड़ाई होती है तो नेट जो है 9.5 मीटर लंबा एंड 1 मीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट वॉलीबॉल खेल में बॉल की परिधि यानी कि डायमीटर कितना होता है, तो 65 से 67 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है और इसका जो वजन होता है वॉलीबॉल का वजन कितना होता है, तो वॉलीबॉल का वजन होता है 260 से 280 ग्राम, कितना होता है 260 से 280 ग्राम होता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल में बॉल के अंदर हवा का जो दबाव होता है कितना होता है, तो वॉलीबॉल खेल में हवा का जो दबाव होता है वह 0.30 से 0.325 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल में नेट के एक खाने की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो 10×10 का होता है, कितना 10×10 मीटर का उसकी लंबाई चौड़ाई होता है जो नेट में खाने होते हैं। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ओनली 2 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, पीला और रेड, हरा का प्रयोग नहीं होता, एंड हॉकी में
आपका हरा पीला एंड रेड तीन कार्ड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल खेल में पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? जो पोल होती है उसकी ऊंचाई होती है 2.55 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम में लिब्रो की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक टीम में लिब्रो की संख्या कितनी होती है? तो एक टीम में लिब्रो की संख्या होती है दो। कितनी होती है? दो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल शब्द में बॉली का क्या अर्थ है? तो वॉलीबॉल शब्द में बॉली का अर्थ है, आंसर आपका हो जाएगा, वॉलीबॉल शब्द में बॉली का अर्थ होगा हवा में लगातार उछालना। क्या होगा? हवा में लगातार उछालना इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट, FIVB के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे H. Ruben Acosta। कौन? H. Ruben Acosta। एंड वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एरी ग्रेस फिल्लो, ब्राजील के। नेक्स्ट, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? दोस्तों 1958 टोक्यो जापान में शामिल किया गया, एंड ओलंपिक खेलों में 1964 टोक्यो जापान में। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला का कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला का 1952 मास्को में शुरू हुआ, 1952 मास्को रशिया में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष कब शुरू हुआ? पुरुषों का, तो पुरुषों का विश्व कप प्रतियोगिता 1949 पैराग्वे चेकोस्लोवाकिया में शुरू हुआ, और महिलाओं का प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता 1952 मास्को रशिया में शुरू हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, वॉलीबॉल खेल के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो ए रमन्ना राव। क्या नाम है? ए रमन्ना राव। 1990 को दिया गया प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार, एंड प्रथम अर्जुन पुरस्कार ए पलानी स्वामी को 1961 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वॉलीबॉल खेल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों पीला कार्ड एंड रेड कार्ड एंड चेतावनी, ये तीनों चीजें आपका संबंधित है, बट यहाँ पे हरा कार्ड रिलेटेड नहीं है इससे। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल मंच कितने मैच जो है कितने अंकों का होता है? तो वॉलीबॉल जो मैच होता है वह 25-15 अंकों का होता है, 25-15 अंकों का होता है। जैसे कि 3 या 5 सेट होते हैं, तो प्रथम चार सेट में 25-25 अंक का होता है, एंड पांचवां सेट 15 अंक का खेल होता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे कोर्ट, लिफ्टर, ब्लॉक वॉलीबॉल से संबंधित है, बट स्कूप जो है हॉकी से रिलेटेड है, वॉलीबॉल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? दोस्तों तो यहाँ पे अटैक लाइन, सर्विस जोन, साइड लाइन तीनों वॉलीबॉल से संबंधित है, लेकिन पोल लाइन नहीं है, यहाँ पे पोल लाइन नहीं है, ये खो खो से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इनमें से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे वॉलीबॉल से संबंधित कॉल नहीं है, तो कोनिका कप नहीं है। उसके अलावा कोनिका कप वॉलीबॉल से रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा पूर्णिमा कप, शिवांती कप, मामा मपा कट्टू एमएम जोजफ कप, ये तीनों जो है वॉलीबॉल से संबंधित हैं, ये तीनों वॉलीबॉल से संबंधित हैं। तो पूर्णिमा कप, शिवांती कप, मपा कट्टू एमएम जोजफ कप, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो खिलाड़ियों के नाम है, तो कौन नहीं है इसमें? तो इसमें आपका शिवांती राव नहीं है, उसके अलावा ए रमन्ना राव, जी ई श्रीधरन एंड श्याम सुंदर राव, ये तीनों लोग वॉलीबॉल से संबंधित हैं। तो दोस्तों आज की सेशन में 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस वॉलीबॉल से रिलेटेड था, एंड 50 से 60 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में होंगे। इन दोनों पार्ट मिला करके वॉलीबॉल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो मेरे साथ डेली बेसिस पे लगे रहिए, और अपने सभी फिजिकल एजुकेशन कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, फ्री में कीजिए। तो दोस्तों
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।